IBPS क्लर्क प्री की अपार सफलता के बाद एक बार फिर हम लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए IBPS क्लर्क मेंस का बैच, जिससे हम बना सके आपकी सिलेक्शन तक की जर्नी को आसान। इस कंप्लीट बैच में मिलने वाले हैं आप लोग को 85 प्लस आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहने वाले हैं, और साथ ही आपको मिलेंगे PDFs एंड सारे सेशन के रिकॉर्डेड वीडियोस भी। तो भूलिएगा मत, विजिट करना आज ही store.adda247 को और ज्वाइन करें हमारे बैच को। SBI, RRB और IBPS PO मेंस के बाद अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए IBPS क्लर्क मेंस का 3 दिन का लाइव क्रैश कोर्स, जिस बैच में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरा कैप्सूल मात्र 10 घंटे की लाइव क्लास, जहां मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा टॉपिक वाइज करेंट अफेयर, जैसे नेशनल करेंट अफेयर, इंटरनेशनल करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स करेंट अफेयर, सबमिट, टूर्नामेंट्स एंड मिसलेनियस करेंट अफेयर। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आज ही विजिट कीजिए store.adda247.com पर। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का अड्डा टू फोर सेवन में। गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट, मैं कहूँ सरकारी जॉब्स का अड्डा। तो हाँ भैया, 4 बज चुके हैं, आपके रीजनिंग गुरु, आपके बिग बी सर, आपके अर्पित सर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। बिल्कुल, आज आपका लाइव टेस्ट है, आज आपका बिल्कुल एक लाइव टेस्ट है, जिसमें आज आपको 30x30 का आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे कम से कम मैक्सिमाइज मार्क्स, मतलब एटलीस्ट आपके 27+ तो यहाँ पे होने ही चाहिए। तो चूंकि आपका 2.0 का ये पहला लाइव टेस्ट है, अब हम लाइव टेस्ट आपके वीकली में कम से कम 1 या 2 करवाएंगे, तो कोशिश करें कि हर एक स्पीड टेस्ट में अपना नंबर बूस्टअप करें और स्कोर को और बेहतर आप करते जाएं। मेरे भाई गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, सब कुछ विश कर दिया। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे बहुत सिंपल एक बात से कि आपको पता है कि भैया आपको कोई भी, जैसे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है किसका, क्लर्क मेंस का, यहां पे आपका रीजनिंग मैं ही पढ़ा रहा हूं, जितने भी नए कांसेप्ट हैं वो सब प्रॉपर्ली मैं यहां पे कवर कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आप मेंस की तैयारी करते हो, नए कांसेप्ट को आपको सीखना है, तो इस कोड को आप यूज करिए, आपको लगभग 40% तक का ऑफ मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। आगे देखिए, साथ में आपका जे, चूंकि क्लर्क मेंस है तो भैया जे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे आपका कैप्सूल हो या आपका जनरल अवेयरनेस हो। यहाँ पे आपके पीयूष सर भी हैं, आशीष सर भी हैं, दोनों महारथी आपके ये पढ़ा रहे हैं। इसमें भी अगर आप इस कोड को यूज करेंगे आपको लगभग 40% तक का ऑफ प्रॉपर्ली मिल जाएगा। इसके साथ में आपका SBI का बैच लॉन्च होगा 10 तारीख को, जिसमें आपके शांतनु सर, संतोष रे सर, अर्पित सर हैं, ठीक है। ये तीनों बिल्कुल बहुत शानदार, बिल्कुल आपको पता ही है ना, ये बिल्कुल एक चीज को हर एक चीजों को बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें भी अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको लगभग 40% तक का ऑफ प्रॉपर्ली मिल जाएगा। RBI असिस्टेंट का कल से बैच चालू हो गया है, आज इसकी सेकंड डे क्लास थी, ठीक है। अभी बहुत बेसिक ही है, अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको क्लर्क में, सॉरी, क्या कहते हैं, असिस्टेंट में के वो क्या कहते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ, चाहे संतोष सर हो, चाहे आपके शांतु सर हो, चाहे आपके अर्पित सर हो, आयशा मैडम हो, ये चारों फैकल्टीज यहां पे हैं। इस कोड को आप यूज करिए, आपको लगभग 40% तक का ऑफ आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। और लास्ट में आपका PO का भी बैच यहां पे लॉन्च हो गया है, PO इंटरव्यू का बैच लॉन्च हो गया, मिस्टर अनिल भटनागर सर, जो कि ex-SBI के जनरल मैनेजर रह चुके हैं, ये प्रॉपर्ली आपको गाइड करेंगे। इनके गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तो अगर आपको लगता है कि आपको भी सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल सर के बैच में ज्वाइन करिए, आप इस कोड को यूज करेंगे, आपको लगभग 40% तक का ऑफ प्रॉपर्ली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे सिंपल मोटिवेशन कोड से। बहुत सिंपल वही लाइन है कि यार 2 अक्षर का होता है लग, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 का किस्मत, लेकिन ये चारों के चारों मेहनत के अंदर फेल हो जाते हैं। यानी मेहनत अगर सामने आ गई तो चाहे आपका लक हो, चाहे भाग्य हो, चाहे नसीब हो, चाहे किस्मत हो, सब पीछे हो जाता है, हार्ड वर्क सबसे ऊपर आ जाता है अगर आप करना स्टार्ट कर दे तो। क्योंकि हार्ड वर्क के सामने कोई भी लक फैक्टर, कोई भी भाग्य, कोई भी नसीब, कोई भी किस्मत यहां पे मैटर नहीं करता है। स्टार्ट किया जाए, आज आपका 30x30 का टेस्ट होगा, 30x30 का आपका टेस्ट होगा, जिसमें कम से कम आपको 27+ तो आपको सही करना ही करना है। एक बार हां बताइए कि हां सर पक्का करेंगे, पक्का करेंगे सर, 27+ तो हम पक्का करेंगे, 30x30 बहुत शानदार टेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फास्ट। कम से कम आप लोगों का 27+ तो होना ही चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, इससे कम बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं होगा, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत शानदार 2.0 का पहला ये टेस्ट है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब वीक में एटलीस्ट 1 या 2 आपके लिए टेस्ट में लेके ही आऊं। सवाल देखिए, ये बताओ, लिखा है यदि साइटोलॉजी अगर कोशिका के अध्ययन के लिए होती है, तो जो आपका पक्षी होता है, बर्ड होता है, इसका अध्ययन के लिए हम क्या पढ़ते हैं,
भाई ओडेंटोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, माइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, एटीमोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, ऑर्निथोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। ऑर्निथोलॉजी जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जैसे साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन के लिए होता है, ऐसे जो ऑर्निथोलॉजी होता है वो पक्षियों के अध्ययन के लिए होता है। मतलब डी ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए इन चारों में से थर्मामीटर, बैरोमीटर, डायमीटर या हाइग्रोमीटर, इन चारों में से कौन सा आपका डिफर होगा। टाइमर स्टार्ट होता है अब। ये कोई इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। ठीक है, टंगड़ी मेरी आवाज आ रही क्या? जल की व्यवस्था करिए। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल, माइकोलॉजी जो है वो फंगी के लिए होता है, बिल्कुल सही। कवक के लिए होता है, बिल्कुल सही। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको पता है थर्मामीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर ये एक मेजरमेंट टूल है। क्या है ये? ये एक मेजरमेंट टूल है। क्या है ये? ये एक मेजरमेंट आपका टूल हो जाएगा। लेकिन जो आपका डायमीटर है ना, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक आपका पार्ट हो जाएगा। ये आपका सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक पार्ट हो जाएगा। मतलब ये एक मैथ्स का एक टूल है। बाकी जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, ये आपका मेजरमेंट टूल हो जाएगा। मतलब सिंपल आपका सी ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका डिफर आंसर। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। डन, क्लियर कर लोगे, पक्का कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए। टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट। इन चारों में से आपको डिफर क्या लग रहा है, बताइए फास्ट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, गलतियां बिल्कुल नहीं बेटा, गलतियां बिल्कुल नहीं, गलतियां बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता चेक करते हैं, बिल्कुल सही। मतलब ह्यूमिडिटी चेक करते हैं। चलिए सवाल देखिए। देखो, अगर मैं सवाल को देखूं तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये बी डी यानी बी सी डी प्लस वन का गैप ऐसे है और इधर प्लस वन का गैप आपका इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक साइड में लेफ्ट टू राइट, एक आपका राइट टू लेफ्ट हो रहा है। अगला देखिए, अगला आपका डी से एफ, तो भाई एक आपका लेफ्ट टू राइट, इसको आप प्लस वन भी कह सकते हैं, प्लस टू भी कह सकते हैं। और एक आपका डब्ल्यू से वाई जो है, ये आपका प्लस वन राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका ई से जी, ये आपका ई से जी लेफ्ट टू राइट प्लस वन है। और आपका वी से एक्स, ये आपका राइट टू लेफ्ट आपका प्लस वन हो जाएगा। लेकिन जब आप सी ई, जब आप सी ई और एक्स जेड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सी से ई ये आपका प्लस वन इसी करके वो है, वो उसमें क्रम में है, और आपका एक्स से जेड भी इसी क्रम में होगा। बाकी सब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एक ही जगह मूव कर रहा है, सी डी ई डायरेक्टली, एक्स वाई जेड डायरेक्टली, जबकि इस साइड डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब राइट टू लेफ्ट आपका आता जा रहा है। मतलब जो आपका डिफर आंसर होगा वो कंफर्म आपका सेकेंड ऑप्शन, राइट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, पक्का आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। डन, क्लियर कर लोगे, पक्का कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए। टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट, करिए फास्ट, इसका आंसर क्या होगा। अब एक सिंपल इस सवाल को देखें, देखो जैसे यहां पे लिखा है 72, ठीक है, 7 और 9, समझिएगा। जैसे यहां पे 72 लिखा है, फिर आपका लिखा है 7, फिर आपका 9, इक्वल टू आपका 16। एक काम करिए, इसको आप इसके स्क्वायर की वैल्यू ले लो, मतलब ये 7 का स्क्वायर हो गया, सेकंड वाले नंबर को आप डिवाइड कर दो और थर्ड वाले नंबर को आप ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 49 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 9 हो गया, मतलब ये टोटल आपका 7 प्लस 9 हो जाएगा, और 7 प्लस 9 आपका 16, तो यस 16 आपका यहां पर आ गया, 16 बाई डिफॉल्ट आपका यहां पर आ गया, बोलो क्लियर। सेकंड में भी यहां देखिए, जैसे 52 लिखा हुआ है, तो ये 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस आपका 7, तो ये आपका बचेगा 5, 5 और 7 आप ऐड करेंगे, ये टोटल आपका 12 आ जाएगा, तो यस 12 भी यहां पे आ गया, यहां तो कोई डाउट नहीं। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, अगले पे जैसे आपका 92 है, मतलब 9 का स्क्वायर, तो ये आपका 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और ये आपका प्लस 8 हो जाएगा, मतलब ये आपका 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया, 81 को आपने डिवाइड बाई 3 कर दिया और प्लस आपने 8 कर दिया। अब अगर आप इसको टोटल यहां पे ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 27 प्लस 8, अगर आप ऐड करोगे तो यस 35 इज द राइट ऑप्शन, 35 जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ये सेकंड नंबर हमेशा आप स्क्वायर के बेस पे लोगे, उसके बाद ए का मतलब डिवाइड करना होगा, बी का मतलब ऐड करना होगा, जब आप टोटल वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपका 35 अपने आप सही जवाब हो जाएगा। डन, क्लियर है, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए। और एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, करिए फास्ट। बहुत शानदार, बहुत शानदार।
देखो टेस्ट है, गलतियां कहीं से मत करना, कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। 27 प्लस मतलब एक दिमाग में ठान के बैठो कि यार कुछ भी करूं 27 प्लस तो मुझे लाना ही है, यानी गलतियां नल के बराबर। ध्यान रखिए अंदर से एक विश्वास है कि यहां से 27 प्लस मेरा आ सकता है, ट्राई तो करो मेरे भाई। एक बार सवाल देखो क्या बोल रहे हैं, देखो पहले काउंट कर लो, ऐसे क्वेश्चन पहले काउंट कर लो। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 है, 16 मतलब आपका ऑलवेज चार का पेयर होगा, 16 मतलब ऑलवेज आपका चार का पेयर होगा। भाई चार का पेयर कैसे, ये आपका चार का पेयर ये हो गया, चार का पेयर ये हो गया, चार का पेयर ये हो गया। अब एक चीज समझिएगा, आपको यहां पे एक चीज दिख रही होगी कि यहां पे एम ओ, यहां पे ये आप देखिए तो यहां पे ओ कॉमन है, ओ आपका यहां पे कॉमन है, ओ आपका मतलब हर एक सेकंड लेटर पे आपका ओ कॉमन है। मतलब अगर मैंने ओ को यहां पे रख दिया तो मैंने एक चीज और देखी कि एम आपका स्टार्टिंग में यहां पे कॉमन है, एम स्टार्टिंग में यहां पे कॉमन है। मतलब अगर मैं एम को यहां पे कर दूंगा तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो टोटल लॉजिक है वो आपका एमओपीएन का है, MOPN का टोटल लॉजिक होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे N कर दूं, ठीक है, यहां पे P कर दूं और यहां पे MOPN कर दूं, तो ये आपका टोटल लॉजिक MOPN का बन जाएगा। इसके लिए मुझे आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी, स्टार्टिंग में मुझे M चाहिए, देन मुझे यहां पे N चाहिए, फिर मुझे यहां पे P चाहिए, फिर मुझे MO चाहिए, फिर मुझे N चाहिए, यानी MNP MON। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या? तो यस, आपका फर्स्ट नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखो बिल्कुल एक पूरे पूरे मन से एक टेस्ट दो, मन से टेस्ट दो मेरे भाई। 27 क्या 30 से ऊपर नंबर अगर आपका आएगा, अगर आप ऐसे करो नहीं सर नहीं आ रहा ठीक है ऐसे करोगे तो एग्जाम में भी आपको दिक्कत होगा। आज से आप लगन बनाओगे तो ये टेस्ट में अगर आप फोकस करोगे ना तो वो टेस्ट अपने आप आपका बेहतर हो जाएगा। तो आपको कोशिश इस टेस्ट में पूरे लगन के साथ टेस्ट देने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फर्स्ट। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर टेस्ट देने बैठो तो भाई कहीं से भी कोई गलती ना हो, ऐसा कोशिश करो, ठीक है। मेरा विश्वास है कि अगर आप यहां बेहतर कर लिए तो वो मेन टेस्ट जो है वो अपने आप आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहां पे आपका प्रोसेस क्या है, यहां पे आपका एडिशन प्रोसेस है। क्या है एडिशन प्रोसेस है, क्या है समझिएगा, 2 + 8 कर दो इक्वल टू 10 हो गया, 4 + 5 कर दो इक्वल टू 9 हो गया, 7 + 2 कर दो इक्वल टू 9 हो गया, 8 + 1 कर दो इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। मतलब सब में आपका 9 फर्स्ट सॉरी लास्ट के तीन लेटर में है, लेकिन फर्स्ट में आपका इक्वल टू यहां पे 10 हो रहा है। अब इक्वल टू जब 10 होगा तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यस फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वन जो है एक्जैक्टली आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बाकी तीनों का एडिशन 9 है, स्टार्टिंग के नंबर का एडिशन 10 आ रहा है। बोलो क्लियर, ईमानदारी से जब लास्ट में नंबर बोलूं ईमानदारी से नंबर, ये नहीं कि सर अरे सर यही आ रहा था, जैसा अगर आया तो ठीक है वरना इसको अपने अकॉर्डिंग गलत करोगे, अपने अकॉर्डिंग गलत करोगे जब ताकि ये पता चलेगा कि हाँ कितने पानी में हो। अपने साथ गद्दारी मत करो, अगर ये आंसर आपसे नहीं आया तो हाँ खुद से एज्यूम करो कि हाँ सर गलत है ये आंसर, और लास्ट में स्कोर इनिशियल जितना आया उतना ही बताओ। ये बार बार करोगे अपने आप इंप्रूव होगा, अपने आप इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टाइमर स्टार्ट होता है अब, ठीक है। गलतियां नहीं, गलतियां नहीं, गलतियां कर रहे हो एक्सेप्ट करो, गलतियां कर रहे हो एक्सेप्ट करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया विशाल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एकदम 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 शानदार। चलिए सवाल एक बार देखिए, देखो अगर आप यहां पे 33, जैसे 33 है आपका, 33 को अगर आप इंटू 4 करेंगे तो भाई 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा अगेन 13, 132 आ गया। अगर आप 41 को इंटू 4 करिए तो मेरे भाई 4 × 4 = 16, ये भी सही है। अगर आप 73 को इंटू 4 करिए तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12, फिर 7 × 7 = 28, और एक आपका 29 यहां पे आ गया। लेकिन जब आप यहां पे 27 × 4 करोगे तो ये आपका 7 × 28 होगा, ठीक है, 4 × 2 = 8 प्लस आपका 2 = 10 हो जाएगा, लेकिन यानी ये आपका कंफर्म गलत हो जाएगा। बाकी सब में इंटू 4 करने पर वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन फर्स्ट वाला 108 आएगा जो कि कंफर्म आपका गलत आंसर हो रहा है। जिसका सही है वो अपने आंसर को सही टिक करेंगे, जिनका गलत है ईमानदारी से मुझे बताएंगे गलतियां बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि जब तक ईमानदारी से खुद से नहीं बरतोगे तब तक दिक्कतें ही आपको होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइमर स्टार्ट होता है, अब करें फर्स्ट, करिए फर्स्ट। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
अब देखो इस सवाल को बहुत सिंपल देखो, जैसे आपका ये वर्टिकल रो है, ठीक है, वर्टिकल में क्या करोगे, अगर मैं इन तीनों को बाय डिफॉल्ट क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैंने यहां पे किया 5 × 6 × 8 कर दिया, तो 5 × 6 = 30 और 3 × 8 = 24, तो ये आपका 240, तो यस 240 यहां पे आ गया, यहां तो कोई डाउट नहीं। अगला देखिए, अगला आपका 5, 8 और 12 है, तो आपने क्या किया, 5 किया × 8 किया × आपका 12 हो गया, तो ये 5 × 8 = 40 और 12 × 4 = 48, मतलब ये आपका 480, ये भी हो गया, यहां तो कोई दिक्कत, मतलब क्या हुआ, आपको तीनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर देखिएगा, आपको 15 × 6, ठीक है, × आपका एक्स इक्वल टू आपका 450 है, मतलब ये आपका 90x इक्वल टू आपका 450 हो जाएगा, तो एक काम करो, x की वैल्यू 450 बाई 90, ये कट गया आपका 9 × 45, मतलब x की वैल्यू बाई डिफॉल्ट आपकी 5 आ गई। क्या 5 किसी ऑप्शन में है, क्या 5 किसी ऑप्शन में है क्या, तो यस आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो सिंपल आपका सही जवाब, होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, डन कर लोगे, पक्का कर लोगे, डन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट, बहुत शानदार बहुत शानदार, अरे तुम लोग करते जाओ, तुम लोग करते जाओ, शानदार, बट बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं बढ़िया हूं स्टार जी, मैं बढ़िया हूं बेटा, बहुत बढ़िया हूं मैं। देखो सवाल देखो, आपकी Q की वैल्यू कितनी है, 7, सो वो 17, ये W की वैल्यू 23, इनके बीच में लेटर कितने होंगे, 5 ही होंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, लेटर आपके 5 ही होंगे इनके बीच में। अगला देखिए, अगला आपका यहां पे जैसे ये आपका 6 है, ठीक है, ये आपका 10 है, तो इनके बीच में लेटर कितने होंगे, 3 ही होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपकी वैल्यू 20 है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू 25 है, तो इनके बीच के लेटर आपके कितने होंगे, 4 होंगे, ये भी बिल्कुल सही है, 4 ही होंगे, एकदम सही है। लेकिन जब आप यहां पे आएंगे, ये क्या है भाई, यहां पे बी की वैल्यू, यहां पे एल की वैल्यू, तो ये आपका 2 है, ये आपका 12 है, इनके बीच में 8 नहीं आएगा, इनके बीच में 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, मतलब 8 तो कभी नहीं आएगा, यानी सिंपल आपका बी ऑप्शन जो है वो पक्का क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है कि 17 और 23 के बीच में 5 लेटर आएंगे, 20 और 25 के बीच में 4 आएंगे, 6 और 10 के बीच में 3 आएंगे, लेकिन बी और एल के बीच में 8 नहीं आएंगे, सिंपल आपका बी ऑप्शन गलत आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट, करिए फास्ट आंसर, तब तक मैं इसको लिख लूं, बहुत शानदार। समझिएगा, ये आप डायरेक्टली जाएंगे, ये आपका प्लस 5 है, ठीक है, इसको देखिए, ये आपका माइनस 5 है, इसको देखिए, ये भी आपका माइनस 5 है और ये आपका प्लस 5, मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग और लास्ट का नंबर प्लस 5 प्लस 5 है, बीच का नंबर आपका माइनस 5 माइनस 5 में चला जाएगा। सेम वे में अगर मुझे एफ यू एस वाई का आंसर निकालना होगा, एफ यू एस वाई का नंबर निकालना होगा, तो ये आपका 6 है, ये 21 है, ये 19 है, ये आपका 25 है, तो 6 + 5 = 11, 11 मतलब यहां पे 11, सॉरी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका यहां पे माइनस 5, मतलब 21 माइनस 5 कितना, 16, मतलब यहां पे पी हो जाएगा। अगला आपका अगेन माइनस 5, मतलब 14, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, आपका एन आ जाएगा, और लास्ट में 25 में अगर आप प्लस 5 करेंगे तो वो आपका आएगा कितना, 30 का आपका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो कंफर्म आपका डी हो जाएगा, यानी के पी एन डी इज द राइट ऑप्शन। क्या के पी एन डी किसी ऑप्शन में, तो यस ए ऑप्शन जो है वो आपका एग्जैक्टली सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर, डन कर लोगे, पक्का कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए, आपको बताना है फेस्टिवल यानी त्योहार, ईद, दुर्गा पूजा और दिवाली का सबसे बेहतर डायग्राम कौन सा बनेगा। टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट, गलत नहीं बेटा, टेस्ट है, गलत बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल नहीं, सोचो जरा, समझो, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, त्योहार पे हमारे यहां ईद भी होती है, दुर्गा पूजा भी होती है, दीपावली भी होती है, मतलब ये तीनों त्योहार हैं, इसका मतलब अगर मैं इसको क्लियरली देखूंगा तो मैंने अगर ऐसा बना दिया एक, ठीक है, यहां पे मैंने फेस्टिवल कर दिया, यहां मैंने फेस्ट कर दिया, उसके एक साइड मैंने ईद कर दिया, एक साइड मैंने दुर्गा पूजा कर दिया, और
एक साइड मैंने दीपावली कर दी, तो मुझे पता है कि ये तीनों जो हैं वो है त्योहार और ये फेस्टिवल के अंदर ही आएंगे, तो ये आपका इस टाइप से अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। ईद पता है हमारे मुसलमान भाई मनाते हैं, दुर्गा पूजा बंगाल बहुत फेमस है ना, और दीपावली हमारे देश में हिंदू का एक वो है, क्या कहते हैं, एक बहुत फेमस त्यौहार है। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ वन एक्जैक्टली आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर डन कर लोगे, पक्का कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए, टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फर्स्ट, करिए फर्स्ट, करिए फास्ट आंसर, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको हर एक सवाल का आंसर प्रॉपरली बताऊंगा, पर पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, है ना, खुद से एक बार ट्राई करो। चलो अब एक चीज समझना, जैसे आपका ये 264 है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है, देन आपका 16 डिवाइड बाय 2 है, इसका मतलब ये है कि ये आपका 256 प्लस आपका 8 होगा, तो 256 प्लस आपका 8, 264 यहां पे आ गया। अगला देखिए, अगला आपका ये यहां पे क्या है, ये एक्चुअल में 18 का स्क्वायर है प्लस 18 बाई 2 है, मतलब ये आपका 324 प्लस आपका 9 होगा, तो 324 प्लस 9 आपका 333 हो गया, ये भी क्लियर है। अगला देखिए, अगला आपका 410 है, तो मेरे भाई 410 एक्चुअल में 20 का स्क्वायर है प्लस आपका 20 बाई 2 होगा, यानी 400 प्लस आपका 10 होगा, तो ये आपका 410 हो गया। अगला देखिए, अगला आपका जो 495 ही क्या है, ये आपका 22 का स्क्वायर है प्लस आपका 22 बाई 2 होगा, मतलब 484 प्लस आपका 11, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 495 या 495। अगला जब मैं जाऊंगा तो आपका आएगा 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होगा 576, ठीक है, प्लस आपका 24 डिवाइड बाय 2, मतलब आपको प्लस यहां पे 12 ऐड करना है, तो 576 प्लस 12 आप ऐड करेंगे, तो सिंपल आपका 588, मतलब थर्ड ऑप्शन एग्जैक्टली आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलिए डन क्लियर, जितने का स्क्वायर उसके डिवाइड बाय 2 को आपको ऐड करते जाना है, आपकी वैल्यू यहां पे अपने आप आ जाएगी। डन क्लियर कर लोगे, पक्का कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, करिए फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट, बिल्कुल नहीं देरी, बिल्कुल नहीं भाई देरी, बिल्कुल नहीं। देखिए यहां पे क्या करना है आप समझिएगा, ये आपका वर्टिकल हेड पॉइंट है, ठीक है, आपके पास 3 1 4 है, उसका रिलेशन आपका 20 आएगा, क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग के दो नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है, स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड कर लो और लास्ट के नंबर का आप बाय डिफॉल्ट यहां पे स्क्वायर ले लो। कैसे, जैसे आपका यहां पे है, क्या है ये, 3+1 है, तो 3+1 प्लस आपका 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4+16, तो 4+16 आपका 20 हो गया, तो यस 20 यहां पे आ गया। अगला देखिए, अगला आपका यहां पे 4+6 है, इसको ऐड कर लीजिए और इसका स्क्वायर आप ले लीजिए, तो आप सिंपल एक काम करिए, 4+6 करिए प्लस आप 2 का स्क्वायर करिए, मतलब आपका 10+4 टोटल आपका 14 आ जाएगा, तो यस 14 इज द राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला आपका यहां पे 2+5 ऐड होगा, अगेन बिल्कुल सेम, तो आपने 2+5 कर लिया, आपने यहां पे 2+5 कर लिया, देन आपने इसका स्क्वायर लिया, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 7, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका 16 इज द राइट ऑप्शन, 16 जो है वो कंफर्म सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर, बोलो डन लॉजिक, अगर मजा आ गया हो फटाक से एक बार लाइक मार दो और फटाक जितने लोगों सबके सब एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि क्लासेस लगातार चलेंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर डन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए फास्ट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। किसी का भी स्कोर 27 से प्लस या कम नहीं होना चाहिए, 30/30 भाई बहुत शानदार, लेकिन सत्ता है क्योंकि आज भाई सिटिंग भी है, सिटिंग भी है शानदार, कम से कम 3 सिटिंग आज मैं लाया हूं, 3 सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल है, कोई भी भागेगा नहीं सिटिंग के सवाल देखे। सवाल देखिए, देखो ये आपका 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है,
ये आपका 11 है, ये आपका 13 है, ये आपका 15 है, ये आपका 16 है, इसका मतलब ये हुआ सब में दो दो का एडिशन होता जा रहा है और यहां पे आपका प्लस वन का हो रहा है, अगेन आपका दो, अगेन दो, अगेन दो, और यहां पे आपका आपका अगेन प्लस वन हो गया, फिर आपका 16, फिर 18, ये 20, ये आपका 22, तो आपका ये प्लस टू अगेन हो रहा है। इसके बाद आपका 23 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 29 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डब्ल्यू आएगा, फिर आपका क्या कहते हैं क्या आएगा, वाई आएगा, फिर यहां पे ए आएगा, तो डब्ल्यू वाई ए क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, तो ये सिंपल आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, डन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा है, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फर्स्ट बहुत शानदार बेटा। चलिए हमारे साथ विराट कोहली भी जुड़े हुए हैं, आजकल मैचेस थोड़ा नहीं हो रहे हैं तो विराट कोहली भी बराबर रंगारंग महोत्सव में क्या कहते हैं शामिल है। थैंक यू सो मच विराट कोहली। सवाल देखिए, 3/6 है, अब इसका मतलब क्या होगा, C की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर E/10 है तो E की वैल्यू कितनी होती है 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आपका सिंपल 10 हो गया, ये बात क्लियर। अगला आपका जी है तो जी की वैल्यू आपकी 7 इंटू 2 आपका 14 हो गया, 14 क्लियर है। अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे आई है तो आई की वैल्यू कितनी 9 इंटू 2 आपका 18 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये सी डी ई एफ जी एच आई मतलब सब में दो दो का डिफरेंस है, तो अगला आपका आ जाएगा के, के की वैल्यू होती है 11 और 11 इंटू 2 करेंगे ये आपका टोटल हो जाएगा 22, मतलब टोटल आपका K/22। क्या K/22 किसी ऑप्शन में है क्या, तो यस, आपका सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर, डन कर लोगे, पक्का कर लोगे, डन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कौन कैसा कहां पे आएगा। टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फर्स्ट। हां, आजकल क्रिकेट तो हो नहीं रहा है तो विराट कोहली सही कह रहे हो, विराट कोहली को भी जॉब चाहिए। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के चार लेटर यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है और यहां, मतलब चार से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहां पे सी है, यहां पे जे है, यहां पे एम है, यहां पे एल है, यानी सबसे छोटा सी आएगा, सी मतलब नंबर चार सबसे पहले आएगा, नंबर चार कंफर्म सबसे पहले आएगा। अब नंबर चार स्टार्टिंग में कहीं है क्या, तो आपको फर्स्ट में नहीं दिख रहा है, सेकंड में नहीं दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ वन एक्जैक्टली आपका सही जवाब। भाई स्टार्टिंग में सी है मतलब फोर्थ नंबर पहले आएगा, तो स्टार्टिंग में फोर्थ किसी भी ऑप्शन में नहीं है एक्सेप्ट डी, तो आपका डी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक होती है कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन करें, आप चीजों को ऑप्शन से एलिमिनेट करके तुरंत अगले क्वेश्चन पर जाएं। क्लियर है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा। टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फर्स्ट। बहुत शानदार बेटा। हाँ, होमवर्क नहीं देंगे क्या सर? होमवर्क सर देंगे, एक आध क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क, ठीक है। कोई ऐसा मुझे ट्रिकी लगेगा तो मैं इसको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए इसको, इस सवाल को एक बार देखते हैं। देखो 4 और 8 का रिलेशन कैसे बिठेगा, 4 एक्चुअल में 2 का स्क्वायर है और 8 एक्चुअल में 2 का क्यूब है, तो भाई 4 और 8 एक ही नंबर के स्क्वायर और क्यूब होंगे। सेम अगर मैं 1 को देखूंगा तो 1 का स्क्वायर एक ही होगा और 1 का क्यूब भी बाय डिफॉल्ट एक ही होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब दोनों एक ही आ जाएगा, यानी आपका सिंपल ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सी सही जवाब हो जाएगा। होप सो ये क्लियर हुआ होगा, डन कर लोगे पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, चलिए इसको बताइए, सिलॉग का सवाल है, बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा। टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फास्ट। ओहो, टाइमर तो है ही नहीं, खैर कोई नहीं, करिए फास्ट। मैं आपको गिन के 20 दे रहा हूं, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, करिए फास्ट, मिल कर लेते हैं, है ना, जितना आए उतना ही करना, ये मत सोचना कि नहीं मैंने मदद की तो उसको सही, अगर खुद से आ रहा है तभी उसको हाँ या ना करना, ठीक है। मैं बस सार बताऊंगा लास्ट में, ऑल कैट्स आर कार, तो भैया सारा कैट्स क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, सारा कैट्स कार हो जाएगा,
एंड ऑल कार्स आर ट्रेन, तो भैया सारा कार क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। पहला देखिए, ऑल कैट्स आर ट्रेन, बिल्कुल हाँ भैया, सारा कैट अगर कार होगा, सारा कार अगर ट्रेन होगा, तो बिल्कुल सारे ट्रेन के अंदर कैट मुझे दिख रही है, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही, पहला वाला एकदम सही। सेकंड देखिए, ऑल ट्रेन आर कार, तो बिल्कुल अगर सारा कार ट्रेन होगा तो ट्रेन का सम पार्ट जो है वो कार में आ जाएगा, ऑल का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सम पार्ट जरूर कार में आ जाएगा, मतलब आपका सेकेंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ओनली वन इज द राइट ऑप्शन, ओनली वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ट्रिकी लॉजिक है, गलती बिल्कुल मत करना, और इसके बाद तीन पजल भी है आज, ठीक है। चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया, फास्ट 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 फास्ट, गलतियां बिल्कुल नहीं, गलतियां बिल्कुल नहीं, गलतियां बिल्कुल नहीं। देखो एक चीज समझना, आप इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है, ऐसे ले जाओ, ये आपके दो नंबर हैं। पहले एक काम करिए, इसमें आप पहले बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करिए, और फिर बड़े नंबर के रूट को छोटे नंबर के रूट से अगेन आपको माइनस करना है, मतलब ये आपका हो जाएगा 9, और यहां पे आपका डिवाइड बाय ये 25 यानी 5, 16 मतलब 4, तो ये आपका 1, इसको डिवाइड करेंगे आपकी 9 वैल्यू आ जाएगी। तो यस 9 यहां पे दिया हुआ है, 9 आपका बाय डिफॉल्ट यहां पे दिया हुआ है। अगला देखिए, अगला आपका 100 और 36 है, क्या कीजिएगा, पहले आपने 100 किया, ठीक है, 100 माइनस 36 किया, ये ऐसे बन गया, फिर आपने यहां पे डिवाइड का रूल लगाया और वापस से आपका अंडर रूट यहां पे 100 हुआ और वापस से आपका अंडर रूट यहां पे 36 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 64, ठीक है। डिवाइड करेंगे 10 और 6 माइनस मतलब 4 हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 16, तो 16 यहां पे पक्का आपका दिया हुआ है, 16 कंफर्म आपका दिया हुआ है सेम वे में। अब यहां पे देखिए आपका 121 और 81, तो मेरे भाई 121 माइनस 81, ठीक है, फिर आप इसको डिवाइड बाय करिए, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 121 माइनस अंडर रूट 81। अब इसको आगे बढ़ाइए तो ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है, और ये 11 और 9 आपका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जब आप टोटल देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू 20 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 20 किसी ऑप्शन में है क्या? यस, आपका सिंपल ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो पक्का आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर डन कर लोगे, क्लियर डन पक्का कर लोगे, डन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए, टाइमर स्टार्ट होता है अब, करिए फास्ट, करिए फास्ट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बीसवां क्वेश्चन है भाई, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। सवाल देखिए, यदि मैं ट्रेन को कहूं बस, बस को कहूं ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कहूं कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोप, तो भूमि पर हल चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो भाई भूमि पर हल चलाने के लिए हम उपयोग करते हैं ट्रैक्टर का, किसका? ट्रैक्टर का, लेकिन ट्रैक्टर की डिफिनेशन हमने क्या दे दी है? कार से। ट्रैक्टर का यूज करते हैं लेकिन ट्रैक्टर को हम बोलते क्या है? कार है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यस डी इज द राइट ऑप्शन, डी आपका सिंपल सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आज आपकी तीन सिटिंग का ध्यान रखिएगा, तीन आपके आज पजल के क्वेश्चन है, तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टाइमर स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का, ये रहा, करिए फास्ट, करिए फास्ट। देखो सवाल समझना, सवाल समझना, एक परिवार टहलने जा रहा है, ठीक है, पिता जो है वो बेटी के, सॉरी बेटी पिता के आगे जा रही है, मतलब अगर सपोज करो पिता अगर यहां पे है, ठीक है, तो पिता के आगे किसी पोजीशन पे बेटी है, ठीक है। और देखिए कह रहा है बेटा जो है वो माता के पीछे है लेकिन पिता के आगे है, यानी जो बेटा है, जो बेटा है वो एक्चुअल में माता जी से पीछे चल रहा है, ठीक है, लेकिन पिताजी से तब भी आगे ही ये चल रहा है। तो सवाल ने अल्टीमेट पूछा कि बताइए सबसे पीछे कौन चल रहा है, तो इस कंडीशन में ही पिता लास्ट में है, इस कंडीशन में भी पिता ही लास्ट में है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर डन कर लोगे, क्लियर डन पक्का कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा,
चलिए आपको बताना है ये जो तीन आपके पास ये अलग अलग जो प्लेट्स हैं इसको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ के आपका कौन सा हिस्सा प्रॉपर बनेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए फर्स्ट। हाँ बेटा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको store.adda247 से कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो बस इस कोड को यूज करिए Y181। आपको लगभग 40% तक का ऑफ हर एक चीज में मिल जाएगा, चाहे एनटीपीसी का कोई भी क्रैश कोर्स हो, एनटीपीसी कोई टेस्ट हो, एनटीपीसी से कुछ भी हो या रेलवे का कुछ भी हो, बैंक का कुछ भी, सब में आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। आप सपोज करिए इसको मैंने एक नंबर दिया, इसको दो दिया, इसको तीन नंबर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपका एक नंबर, सपोज करिए एक नंबर ये तो बन गया, एक नंबर ये तो बन गया, लेकिन ये कौन सा नंबर है कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपका गलत हो गया, ठीक है। यहां पे आपका ये कौन सा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यहां पे ये कौन सा है कोई इंफॉर्मेशन। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि अगर मैं एक नंबर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ठीक है, आपका तीन नंबर यहां कर दूं, दो नंबर यहां कर दूं, तो ये आपका इस टाइप से कुछ प्रॉपरली आपका बन जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्टली आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, क्लियर डन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसमें बताइए कि आपके पास इतना बड़ा पेपर है, आपने आधा काटा, फिर और आधा काट दिया, यहां पे आपने गुलवा मार दिया, बताइए खुलने के बाद कैसा बनेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए फर्स्ट, करिए फर्स्ट। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ध्यान रखिए Y181 आपका कोड रहेगा, स्टोर से आप कुछ भी परचेज करते हैं आपको लगभग 40% तक का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ओके देखो एक सिंपल सवाल, देखो ये पेपर पहले आप इसको ऐसे खोलोगे, ठीक है, ऐसे खोलोगे तो ये आपका इस साइड यहां पे ऐसा बन गया, फिर आप इसको इस साइड खोलोगे तो ये आपका यहां भी एक लाइन ऐसे बन गई, ये पक्का आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये नीचे भी आपका कुछ ऐसा बनेगा और इस साइड भी आपका कुछ ऐसा ये बन जाएगा। बस इतना देख लो क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, क्या चारों साइड जो बनेगा क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या। तो यहां पर भैया क्या कहते हैं किस शेप में है, ये आपका एक्स शेप में है, ऐसा नहीं बनेगा, ये आपका गलत हो गया। यहां पर भाई बीच में भी दिया है, बीच से हमें कोई मतलब नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। इस वाले कि भाई रंगत ही थोड़ी निराली है, इससे तो हमें और कोई मतलब नहीं, यानी सिंपल जो आपका आंसर है वो कंफर्म आपका ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन एग्जैक्टली आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर डन कर लोगे, क्लियर डन पक्का कर लोगे, डन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसमें बताइए कि ये जो आपके पास डाइस है ये बंद होने के बाद कौन सी एग्जैक्टली बनेगी, कौन सा आपका एग्जैक्टली डाइस बनेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए फर्स्ट, करिए फास्ट। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। तीन सिटिंग के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा तीन सिटिंग के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, और आज मुझे सबका आंसर जानना है, सबका आंसर किसने कितना कितना स्कोर किया। मैं आपको एक ऊपर ऊपर ट्रिक बता दूं, आपको हालांकि पता भी है कि इसका ऑपोजिट ये होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा और इसका ऑपोजिट ये होगा, ठीक है। एक आध हिंट देखिए, जैसे अगर मैं कहूं ये दोनों तो हां भाई ये दोनों, क्योंकि इससे एक आ सकता है, इससे एक आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई डायग्राम क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है, ऐसा कोई डायग्राम कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब पहला वाला तो भाई पक्का गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड पे अगर आप आएंगे तो यहां पर एक आपका ये डायग्राम, ठीक है भाई इन दोनों में से एक मैंने उठा लिया, एक आपका ये बन जाएगा, एक इन दोनों में से मैंने ये उठा लिया ये बन जाएगा, और एक आपका ये वाला, तो मेरे भाई ये वाला भी आपका बन सकता है, बी वाला आपका बन सकता है, कई लोग सी कह रहे हैं, सी वाला भी आपका एग्जैक्टली बन सकता है, सी वाला भी आपका एग्जैक्टली बन सकता है, लेकिन यहां पे एक झोल है, यहां पे एक झोल है, यहां पे डाइस का जो शेप है ना वो उल्टा है, समझिएगा, यहां पे डाइस का जो शेप है वो उल्टा है, यहां पे शेप वैसा ही दिया जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन यहां पे डाइस का शेप एक्चुअल में थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। अगर आप पकड़ पाए जितने लोग बी और सी को अगर देखेंगे तो यहां पे डाइस का शेप जो ट्रायंगल का शेप है वो थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको पता है ये वाला कभी होगा नहीं, इन दोनों में से एक को ही होगा, तो जो लोग सी कह रहे हैं जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो सी का ट्रायंगल का शेप है ना वो थोड़ा अड़गड़ मतलब उल्टा दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर उल्टा, आप देखो भाई उल्टा देखेंगे तो बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन में यहां है क्या एग्जैक्टली वैसा बना है क्या नहीं बना है, उसका जस्ट विपरीत बना हुआ है, इसलिए आपका सी वाला भी गलत। तो यस बी इज द राइट ऑप्शन, बी जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर डन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा,
इसमें बताइए जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपका क्या आएगा। टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फास्ट। बहुत शानदार बेटा। हाँ, फिर जान लीजिए Y181 आपका कोड है। स्टोर पे आप जाइए, वेबसाइट पे कोई भी चीज आपको परचेज करनी है, आपको लगभग 40% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे कोई स्पीड टेस्ट हो, कोई कुछ भी आपको परचेज करना। देखिए एक चीज समझिए, यहां पे आपका बूंदी बूंदी ये दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहां भी ऐसा पहले बनेगा, फिर कुछ ऐसा बनेगा, फिर कुछ ऐसा बनेगा। और चूंकि बूंदी बूंदी का खेल है तो बूंदी बूंदी आपकी यहां पे आ जाएगी, बूंदी बूंदी आपकी यहां पे आ जाएगी। तो ये बूंदी बूंदी ऐसा आपको कहीं दिख रहा है क्या? तो ये सिंपल आप अगर देखेंगे, सिंपल चेक करेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू बूंदी 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 आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है कि अगर ये काउंटिंग ऐसा हो यहां पे मैंने स्टिच मार दिया तो बताइए खुल के ये कैसा बनेगा। टाइमर स्टार्ट होता है, अब करिए फास्ट। बहुत शानदार बेटा। हाँ बेटा, Y181 आपका कोड है। कुछ भी आप परचेस करते हैं store.adda247.com से, कुछ भी परचेस करते हैं तो आपको लगभग 40% तक का ऑफ प्रॉपर्ली मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अड्डा की एसटी, अड्डा का स्पीड टेस्ट आपको पता है, वर्ल्ड फेमस है भाई, वर्ल्ड फेमस। सवाल देखिए, आपके पास इतना बड़ा कागज था, आपने उसको हाफ फोल्ड कर दिया, हाफ आपने और फोल्ड कर दिया। अब जब आप उसको इधर खोलेंगे ना तो ये पहले आपका कुछ इस टाइप से ऐसे बन गया, पहले आपका ये बन जाएगा, और जब आप इसको पूरा खोल देंगे तो एक लाइन यहां पे आएगी और ये कंफर्म कुछ इस टाइप से आपका प्रॉपर्ली बन जाएगा। बस इतना बता दीजिए, क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो ये सिंपल में देखूंगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन कंफर्म सही जवाब। होप सो ये आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये आपका बताइए, पहले तो ये बताइए कि इमेज कौन सी है और इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए फास्ट। बहुत शानदार बेटा। चलिए अब सिंपल एक सवाल देखिए। देखो जैसे पहले तो ये इमेज कौन सी होगी, मैंने पूछा ये इमेज कौन सी है, तो भाई ये इमेज आपकी कौन सी है, वाटर है, ये आपकी वाटर इमेज है। मैं इसको उल्टा ले आऊंगा तो यहां पे तो आपका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम यहां पे दिया हुआ है, ये आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आपका दिया है कैसे, लाइक का मिरर इमेज दिया हुआ है, गड़बड़ हो गया। ये भी आपका लाइक का मिरर है, गड़बड़ हो गया। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यस सी इज द राइट ऑप्शन। सी जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आप लोगों को ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर डन कर लोगे, सी ऑप्शन एक्जैक्टली आपका वैसा ही बनेगा जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो ये आपका है एक पजल, ये आपका पजल है। ठीक है, मैं आपको 220 दूंगा, आपको खाली इसका डायग्राम बनाना है और मुझे बताना है कि हां सर डन हो गया, हां सर डन हो गया। ठीक है, आपको खाली 220 का मैं टाइमर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट होता है, अब करें फास्ट। ध्यान रखिएगा, किसी का भी आज स्कोर अब भाई टफ लेवल आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जाम की वो डिमांड है। आपको इजी तो भाई वो नहीं चलेगा। ये आपका 2016 का पैटर्न है, ऐसा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम तुहिन जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत हेल्पफुल है बेटा। तीन लगातार आपकी सिटिंग है, इसके बाद लगातार सिटिंग है तीन। थैंक यू सो मच हितेश, थैंक यू सो मच। सवाल एक बार देखो, देखो क्या बोल रहा है, कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 लोग हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कह रहा है ए जो है वो एच के फोर्थ राइट में है, मतलब अगर मैंने एच को यहां लिया, अंदर किया, तो उसके फोर्थ राइट में यहां पे ए आ जाएगा, और ए जो है वो एफ के सेकंड लेफ्ट में होगा, मतलब एफ को मुझे पक्का यहां करना पड़ेगा, अंदर दिखाऊंगा तो जाके इसके सेकंड लेफ्ट में यहां पे ए हो जाएगा। ये बात क्लियर है। आगे देखिए, सी कभी भी एफ और बी का नेबर नहीं होगा, तो सी कभी भी एफ के बगल में नहीं आएगा, और सी जहां भी आएगा उसके बगल में कभी बी भी नहीं आएगा, लेकिन अब ये कहां पे आएंगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं।
कह रहा है कि डी जो है वो सी के थर्ड राइट में आएगा, अब सी के थर्ड राइट में डी आएगा, सी को मैं यहां रखूंगा, डी यहां कभी नहीं बनेगा, ए बैठा हुआ है, सी को मैं यहां रखूंगा, डी यहां कभी नहीं क्योंकि एफ बैठा हुआ है। इसकी मात्र एक पॉसिबिलिटी है कि जब मैं सी को यहां रखूंगा तो इसके थर्ड राइट में कंफर्म यहां पे डी आएगा, और मैंने अभी अभी पढ़ा है कि सी के बगल में कभी भी बी नहीं आ सकता है। अब बी जो है वो पक्का यहां पर आ जाएगा, बी फिर पक्का यहां पर आ जाएगा। आगे देखिए, अब लिखा है कि एच कभी भी जी के बगल में नहीं आएगा, तो एच अगर जी के बगल में नहीं आएगा तो यार कुछ कुछ गड़बड़ नहीं किया ना हमने, सी कभी भी डी जो है वो सी के थर्ड राइट में आएगा, तो एच अगर हाँ तो सॉरी अगर यहां पे जी नहीं आएगा, जी पक्का यहां पे आ जाएगा, सब हो जाएंगे तो कौन बचेगा, यहां पे ई बचेगा, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए डन, क्लियर कर लोगे? डन क्लियर कर लोगे? पक्का कर लो, डन कर लोगे? ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से पहली सिटिंग खत्म हो गई। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइमर स्टार्ट होता है अब, करिए फास्ट, बस सर एक क्वेश्चन और, इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो गलतियां बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच राजपाल चौहान, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। चलिए 120 और, थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। बस एक फटाक से एक काम करना, इस क्वेश्चन के बाद चैट को हटा के एक बार लाइक मार देना, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से एक बार सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि कल का भी नोटिफिकेशन चाहिए। सवाल एक बार देखिए, कितने लोग बात हो रही है, ये एच है मतलब छह लोगों की, आठ लोगों की, तो ये आठ लोग आ गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। एफ ए के सेकंड राइट में, मतलब ए के सेकंड राइट में यहां पे एफ आ जाएगा, और सी के थर्ड लेफ्ट में होगा, तो सी को हमने यहां किया अंदर कर दिया, इसके थर्ड लेफ्ट में यहां पे एफ आ गया, ये बात भी क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं। बी जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में होगा, तो सी के सेकंड लेफ्ट में यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है, और ये एच के फोर्थ राइट में आएगा, तो बी अगर एच के फोर्थ राइट में आएगा मतलब एच को मुझे पक्का यहां करना पड़ेगा, इसको अंदर दिखाएंगे तब जाके पहला दूसरा तीसरा और चौथे में यहां पे बी आ गया, ये बात भी क्लियर है। डी जो है वो जी के सेकंड राइट में आएगा, अब जी के सेकंड राइट में डी आएगा, तो भाई जी पक्का यहां पर आ जाएगा, इसके सेकंड राइट में यहां पर डी आएगा, सब हो जाएंगे, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई अगेन आपका यहां पर आ जाएगा, और यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर डन कर लोगे? लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले काम करो, चैट को हटाओ, चैट को हटाओ, जितने लोग सब के सब एक बार फटाक से लाइक मारो, फटाक से लाइक मारो, और जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब एक बार फटाक से कर लो, क्यों, क्योंकि कल का नोटिफिकेशन भी चाहिए, और जितनी भी आपकी क्लासेस है वो सब आपकी लगातार कंटिन्यूस है, तो आपको सब्सक्राइब करने से इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए, और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट, बताइए, इसको मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच रहमत बघेल जी, थैंक यू सो मच। देखो सात लोग हैं, ठीक है, तो ये एक दो तीन चार पांच छह सात, सी जो है वो ए और जी, तो ए और जी के बगल में सॉरी बीच में कौन आएगा, सी आ जाएगा, ये टाइप से क्लियर है। ई के लेफ्ट में बी आएगा, तो भाई ई जहां भी आएगा उसके लेफ्ट में कहीं पे बी आ जाएगा, और देखिए जी जो है वो सी और ई के बीच में आएगा, तो जी जो है वो सी और ई के बीच में आएगा, मतलब जी जहां भी आएगा वो सी और ई के बीच में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डी जो है वो ए के इमीडिएट राइट में आएगा, अब ए के इमीडिएट राइट का मतलब ये हुआ कि यहां पे सी आएगा, यहां पे ए आएगा, यहां पे डी आएगा, और सी के बाद यहां पे जी आएगा, यहां पे आपका ई आ जाएगा, और ई के ठीक लेफ्ट में आपका बी आ जाएगा, ये बात भी क्लियर है। तो मेरे भाई एक दो तीन चार पांच छह, कितने लोग हो गए, ई के लेफ्ट में बी आ रहा है, सी जो है वो ए और जी के बीच में आ रहा है, ठीक है, जी जो है वो सी और ई के बीच में आ रहा है, ठीक है, और डी के इमीडिएट राइट में ए आएगा, एफ जो है वो जी के थर्ड लेफ्ट में है, तो जी के थर्ड लेफ्ट में एफ इस टाइप से आ गया। सवाल ने बोला बताइए एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा, तो एग्जैक्टली बीच में यहां पे आ जाएगा जी, तो यस जी इज द राइट ऑप्शन, जी आपका पक्का सही जवाब, डन क्लियर, ठीक है। अब एक बार जल्दी से बताइए आपका स्कोर कितना है, फास्टली अपना स्कोर बताएं, फास्टली अपना स्कोर बताइए, फास्टली अपना स्कोर बताइए, फास्टली अपना स्कोर, स्कोर कितना है, ठीक है, कहते जल्दी से, 30 में से जितने जिसके भी 27 प्लस होंगे उसको मैं कहूंगा भाई बहुत अच्छी कैटेगरी में हो,
अगर जिसका 26 प्लस होगा भाई सिर्फ इस कैटेगरी में हो, 25 वालों मैं कहूंगा सिर्फ गुड की कैटेगरी में हो, और जिसका 25 माइनस है भाई उनकी तो यार बहुत खराब हालत है, बहुत ही खराब हालत है। अगर इस टाइम पे अगर इसको इतना कम कर रहे हो मतलब बहुत खराब हालत है। तो आपको ये टेस्ट को, इन क्लासेस को अब रेगुलरिटी के साथ देना है, क्योंकि अब रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। रेगुलर जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्लासेस करते रहे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, टिल देन तब तक लिए आज क्लास को ही समाप्त करते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। IBPS क्लर्क प्री की अपार सफलता के बाद एक बार फिर हम लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए IBPS क्लर्क मेंस का बैच, जिससे हम बना सके आपकी सिलेक्शन तक की जर्नी को आसान। इस कंप्लीट बैच में मिलने वाले हैं आप लोग को 85 प्लस आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहने वाले हैं, और साथ ही आपको मिलेंगे PDFs एंड सारे सेशन के रिकॉर्डेड वीडियोस भी। तो भूलिएगा मत, विजिट करना आज ही store.adda247 को और ज्वाइन करें हमारे बैच को।